तेलंगाना आरटीसी टीएसआरटीसी में जो आज जो स्ट्राइक चल रहा वो आठवां दिन हो गया। अभी तक जो है ना हमारे सीएम साहब जो है ना अभी तक उसका हल कैसा निकालना, हमारे जेएसी को जो है सो बुलाकर उन लोग सीएम साहब बात करना, बात करके जो है ना आवाम की तकलीफ़ और जो है सो वर्कर की तकलीफ़ दूर करना वो उनका काम है। क्योंकि सीएम साहब हमारे बाप के जैसा, तमाम 4 करोड़ पब्लिक के उन्होंने बाप के जैसा एक बड़े भाई का नाता निभाना चाहिए। आज उन्होंने नहीं काम कर रहे वैसा, आज जो है ना खाली वर्करों को जो है सो आरटीसी को किसी तरीके से निकाल के यानी टुकड़े टुकड़े बनाना चाह रहे। ये चीज़ उनको आज वर्कर जो है ना नाराज की पेश कर रहे। और जो है सो हमारे हिंदू भाई आज दसरा हो गया, उन लोगों को आज तक तनख्वाह नहीं मिली क्योंकि उन्होंने दसरा नहीं करे। हर डिपो में जो है ना गेट धरने यही काम में है। हम सकल जनला समय में भी हम यही काम करें दसरे के टाइम, क्योंकि दसरा जो है ना हमारे सीएम साहब नहीं करने दे रहे हमारे आरटीसी वर्करों को, क्योंकि तनख्वाहें भी ये महीने के तनख्वाहें भी रोक दिए गए। सो सितंबर की तनख्वाह अभी तक का नहीं दिए क्योंकि मेहनत नहीं करे। मेहनत करे ना वर्कर, पूरा महीना मेहनत करने के बाद उसका मुआवजा मिलना ना वर्कर को, उसका मुआवजा नहीं दे के क्योंकि किसी भाव में वर्कर को सताना ये सीएम साहब का ये है एम है वो। क्योंकि वर्कर जो है ना उन्होंने ही देखना, आज ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब आके बुला के बातचीत नहीं करते, कौन से दर्जे पे कौन से भी एमडी साहब नहीं, फुल टाइम के एमडी नहीं है हमारे को, किस तरीके से ये मसला हल करना किसको जाके पूछेंगे। आवाम जो है ना इतना बसा में ज़्यादा रेट वसूल करते हुए आवाम जो है ना इतना परेशान है। सीएम लोग जो सीएम साहब क्या बोल रहे बात ही करना नहीं है, ये कहाँ का तरीका है ये। आज 50,000 वर्कर मैं सेल्फ डिसमिस कर दिया बोल के बोले तो ये कैसा तरीका है ये। कोई कानून में सेल्फ डिसमिस हमारा, हम नौकरी कोई छोड़ देता, कोई अपार्टमेंट ऐसे ही होता अपने आप छोड़ने के वास्ते, ये तरीका गलत है। ये हम आज भी हम सीएम साहब को अपील करना चाह रहे, ये आवाम की और हमारे डिमांड जो है ना आरटीसी को गवर्नमेंट में मिलाना। बाजू स्टेट में हमारे जगन सीएम साहब उन्होंने मिला लिए, उनको लाश है, उनको लाश रहे तो भी उन्होंने जो है ना 30 करोड़ का फायदा है उधर, 6,000 करोड़ का लाश है उधर आंध्र प्रदेश में। फिर जगन सीएम साहब कैसा मिला लिए उन्होंने, हम भी वही, हम भी 60 साल से उनके साथ ही हम मेहनत करें ना भाई, हम उनके साथ जो है सो 60 साल से मिल 27 बस और 166 वर्करों को जो है ना आज यहाँ दे के गए, तो हम वो उस चीज़ को लेके हम जो है सो 80 लाख की 80 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी हम बनाए क्योंकि हमारे बुजुर्ग लोग हम भी इसमें शामिल है ये बनाने में, ये प्रॉपर्टी बनाने में। आज जो है ना हम छोड़ हम ये करते वो करते बोले तो आरटीसी को गवर्नमेंट में मिला लेना। दूसरा डिमांड ये है कि हमारा ये है कि दूसरा ड्राइवर कंडक्टर को सेफ्टी जॉब श्योरिटी रहना, जॉब श्योरिटी नहीं है लिहाजा जो है ना। तीसरा डिमांड हमारे जो जितने भी पैसे जो देना है जो बकाया 22,000 करोड़ बकाया है वो जो है ना वापस आरटीसी को दे देना, ये हमारे डिमांड्स है। अभी तक उन्होंने मुझे मालूम ही नहीं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब बोल रहे मुझे मालूम ही नहीं है, सीएम साहब देख रहे, मैं कुछ भी नहीं कर सकता बोल के उन्होंने बोल दिया। मेरा नाम हुसैन है, मकबूल हुसैन।